अस्सलामुअलैकुम। हेलो एवरीवन, आई एम सबा एंड वेलकम टू सबास किचन एंड लिविंग। आज मैं बनाने जा रही हूँ एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी। इसका नाम है ककड़ी की रोटी। ये चावल के आटे से बना रही हूँ मैं। तो चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इसके लिए मैंने लिया है 1 किलो ककड़ी, इसको मैंने ग्रेट करके रखा है। 250 ग्राम्स ऑफ कैरेट, इसको भी मैंने बारीक ग्रेट करके रखा है। एक बड़ी प्याज बारीक करी हुई, 150 ग्राम्स के करीब ग्रेटेड कोकोनट है, फ्रेश कोकोनट लिया मैंने ग्रेट करके। एंड जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टीस्पून ही, और ये हरा धनिया और पुदीना को मैंने बारीक काट के रखा है। उसी के साथ 2 से 3 हरी मिर्च काट के रखी है मैंने। और सूखे मसालों में मैंने लिया है 1 चम्मच धनिया, 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च मैंने कम लिया है क्योंकि हमने हरी मिर्च काट के लिया है, तो इसीलिए मैंने तीखा थोड़ा कम रखा है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कसूरी मेथी लिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। ये मैंने सिर्फ थोड़ा फ्लेवर के लिए डाला है। अब एक बड़े बर्तन में मैं ये ककड़ी डाल लूँगी, कैरेट, नारियल, प्याज, जिंजर गार्लिक पेस्ट, हरा धनिया और पुदीना, इसी के साथ हरी मिर्च, और ये सारे सूखे मसाले अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अभी मैंने नमक नहीं डाला है। अभी मैं इसमें चावल का आटा डालूंगी, तो उसी के साथ नमक डालेंगे। इसमें मैं 2 कप चावल का आटा डालूंगी। अगर इस डो का मॉइस्चर ज़्यादा है तो आप और थोड़ा चावल का आटा डाल सकते हैं, डिपेंड करता है कि मॉइस्चर कितना है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें मैं डालूंगी नमक एज पर योर टेस्ट। इसमें पानी बिल्कुल भी ना डालें, ककड़ी का जो पानी होता है वही सफिशियंट है, वही काफ़ी है। इसी तरह का बैटर या डो चाहिए था हमें। अभी हम इसे 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रख देते हैं, इसके बाद हम रोटी डालेंगे। रोटी बनाने के लिए मैंने क्या किया है, जो तेल का पैकेट होता है उसके साइड्स मैंने काट लिए हैं और उसको क्लीन करके ले लिया है मैंने। एक्स्ट्रा ये लेंगे, उसको थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे हाथ पे अपने, और इसी तरह से फ्लैट करेंगे और एक गोल रोटी जैसे बनाएंगे। इसको निकालना थोड़ा ट्रिकी है, आप इसके लिए इस कवर को थोड़ा लिफ्ट करें, इस कवर को थोड़ा लिफ्ट करें, अपना हाथ यहाँ पे रखें और इस तरह से जल्दी आपको इसे तवे पे ट्रांसफर करना होगा। इस रोटी को आप बिल्कुल भी पतली ना बनाएं, वरना ये आपके कवर पर से निकलेगी नहीं, चिपक जाएगी या फिर टूट जाएगी। इसमें इसे मीडियम फ्लेम पर ही पकाएं। थोड़ा सा ऑयल डालेंगे और थोड़ी देर पकने देते हैं, उसके बाद टर्न करेंगे। फिर हम दोनों तरफ से अच्छे से क्रिस्प होने तक पकाएंगे। ककड़ी की जो रोटी है बनकर तैयार हो चुकी है, बहुत ही अच्छी बनी है। मैं चाहूँगी कि आप सब लोग इस रेसिपी को एक बार ट्राई करें, बहुत ही अच्छी है, हेल्दी और न्यूट्रिशियस भी है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं। मेरी इस रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।